बांदा जनपद के बबेरू क्षेत्र के किसानों को बिजली न मिलने से धान के बेड बर्बाद हो रहे हैं, जिससे किसानों ने जिला पंचायत सदस्य और किसान संगठनों की अगुवाई में तहसील परिसर पहुंचकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। काफी देर तक बिजली विभाग के विरुद्ध नारेबाजी करते रहे। एसडीएम को ज्ञापन देकर वृहद आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि धान रोपाई का समय है, बिजली न मिलने से धान की बेड़े सूख रही हैं। किसान बिन पानी के धान की रोपाई के लिए परेशान हैं, जिससे किसानों ने जिला पंचायत सदस्य अरुण सिंह पटेल और समाज सेवी पीसी पटेल और किसान यूनियन के अलग अलग गुटों से लामबंद होकर प्रदर्शन किया। एसडीएम रविंद्र सिंह, विद्युत एसडीओ को बुलाकर किसानों के समक्ष लंबी बातें की गई। वहीं एसडीएम रविंद्र सिंह, विद्युत एसडीओ को बुलाकर किसानों ने बात की है और उन्हें अपनी परेशानी बताई है। बांदा से शिवविलास शर्मा की रिपोर्ट। आज किस समस्या को लेकर क्या थे? देखिए, एक पावर हाउस बिसंडा हो गया, बबेरू हो गया, मुरोल हो गया, तीनों जगह के पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल पाने के कारण, क्योंकि धान का इस समय सीजन चल रहा, धान की रोपाई नहीं हो पा रही, उसी वजह से लगभग सैकड़ों की तादाद में किसान इकट्ठा हुए थे और एसडीएम बबेरू साहब के माध्यम से अपना ज्ञापन भी दिया गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि दो दिन के लिए, हालांकि लेटर ये पुनः पहले जारी हो गया था, उन्होंने 26 को उन्होंने जारी कर दिए हैं, लेकिन अब पुनः किसान आक्रोश में आके आ गए थे, तो उनको समझा बुझा के उन्होंने एसडीएम साहब ने वार्ता करके एसडीओ एक्शन से सबसे वार्ता करके उन्होंने बोला कि दो दिन का टाइम दीजिए, हम फिर व्यवस्था सही करा रहे हैं। दो दिन के अंदर अगर सही नहीं हुआ तो क्या होगा? इसके बाद देखते हैं आंदोलन होगा। जी, आज जिस तरह से किसानों की दयनीय स्थिति है बिजली को लेकर के, न तो किसान धान की रोपाई कर पा रहा है, जो रोपाई हो चुकी वो भी फसल नहीं बचा पा रहा है, और किसान खेतों में मरने के लिए मजबूर है, भुखमरी कगार पहुंच रहा है बुंदेलखंड किसान। यहाँ के विद्युत विभाग के अधिकारी एकदम कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं, उनको जगाने के लिए हम लोगों ने 10 दिन से लगातार प्रयास किया, यहाँ से लेकर के जिले में हर जगह गुहार लगाई गई, कोई सुनवाई नहीं होती है, अधिकारी मनमानी करता है, जिसके संबंध में आज बबेरू तहसील के लगभग 5 पावर हाउस के लोगों ने हजारों की संख्या में किसान आए और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि तत्काल बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप चालू की जाए, लेकिन उप जिलाधिकारी महोदय बबेरू ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि मैं संबंधित विभाग के एसडीओ को बुलवा रहा हूं, अभी एकाध एसडीओ आए हैं, उन्होंने कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया, जिससे किसानों का रवैया और भड़क रहा है कि हमको मरना है तो क्यों ही ना एक साथ मरे। अब मुझे लगता है, मैंने किसानों को मनाया बताया लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। हमने कहा कि चल के डीएम साहब अन्य अधिकारियों को और सुनाते हैं, लेकिन किसानों का एक ही कहना है कि यदि आप किसान के साथ रहना चाहते हैं तो आइए, हम सीधे सीधे अब पावर स्टेशनों में, यदि लाइट मिलेगी तो सबको मिलेगी और नहीं मिलेगी तो किसी को नहीं मिलेगी। उसी प्रक्रिया में हम लोग जैसा किसान करेंगे उन्हीं के साथ खड़े होने जा रहे हैं। क्या नाम है? पीसी पटेल, जनसेवक, बबेरू।